दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे घर की कल्पना की है जो कि पानी के ऊपर हो? शायद नहीं, पर दुनिया में एक ऐसी बस्ती है जो कि पानी के ऊपर बसी है, और वो भी पूरे 7,000 लोगों की। यह है दुनिया की एकमात्र समुद्र पर तैरती हुई बस्ती जो कि चाइना में स्थित है। ये बस्ती समुद्री मछुआरों की है जो टाका कहलाते हैं। चीन में कई सदियों पहले टाका कम्युनिटी के लोग वहाँ के शासकों के उत्पीड़न से इतने नाराज हुए कि उन्होंने समुद्र पर ही रहना तय किया। करीब 700 ईस्वी से लेकर आज तक ये लोग ना तो धरती पर रहने को तैयार हैं और ना ही आधुनिक जीवन अपनाने को तैयार। चीन के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में करीब 7,000 मछुआरों के परिवार अपने परंपरागत नावों के मकान में रह रहे हैं। ये घर समुद्र पर तैर रहे हैं। इन विचित्र घरों की एक पूरी बस्ती है। ये समुद्री मछुआरे टांका कहलाते हैं। टांका लोग नावों में बनाए घरों में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें जिप्सीज ऑफ द सी कहा जाता है। चीन में 700 ईस्वी में टोंग राजवंश का शासक था। उस समय टांका जनजाति समूह के लोग युद्ध से बचने के लिए समुद्र में अपनी नावों में रहने लगे थे, और वह कभी कभार ही जमीन पर आते हैं। टांका जनजाति के लोगों का पूरा जीवन पानी के घरों और मछलियों के शिकार में ही बीत जाता है। ये जमीन पर जाने से बचने के लिए न केवल फ्लोटिंग घर बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी लकड़ी से तैयार कर लिए हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होने तक ये लोग ना तो किनारे पर आते थे और ना ही समुद्री किनारे बसे लोगों के साथ विवाह के रिश्ते बनाते थे। वे अपनी बोटों पर ही शादियां भी करते। अभी हाल ही स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन मिलने के बाद टांका समूह के कुछ लोग समुद्र किनारे घर जरूर बनाने लग गए हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने परंपरागत तैरते हुए घरों में रहना पसंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाले बटन को भी क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।